दोस्तों हम जानते हैं पेड़ पौधों को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पानी की आवश्यकता होती है और इस खाने को पकाने के लिए कुछ ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है जो इन्हें सूर्य प्रकाश में से मिलती है। दुर्भाग्य से सूर्य पृथ्वी के हर हिस्से में पूरे साल उज्जवल नहीं रहता। पृथ्वी पर कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। ये कहना वास्तव में असत्य होगा कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की आवश्यकता होती है। फोटोसिंथेसिस मूल ग्रीक शब्द है। फोटो यानी कि प्रकाश और सिंथेसिस यानी कि एक साथ रखना। दूसरे शब्दों में कहें तो पौधों को वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है, सूरज के प्रकाश की नहीं। विशेष रूप से कहें तो उन्हें फोटॉन्स की जरूरत होती है। फोटॉन्स वो कण होते हैं जो प्रकाश में होते हैं, या एक्चुअली वो कण जो प्रकाश बनाते हैं। फोटोन एक तरह के बबल जैसे होते हैं और उनमें एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे फोटोन एनर्जी कहते हैं। जब कोई फोटोन किसी वस्तु या पौधे से टकराता है तो वो फट जाता है और वो अपनी ऊर्जा उस पौधे पे लगा देता है। सूरज की किरणें एक फ्री फोटोन आपूर्ति है जो जीवन के पहले से ही अस्तित्व में है। बाद में जीवन अस्तित्व में आया और इस विपुल स्रोत का उपयोग कर जीवित रहने में कामयाब रहा। वैसे पौधे भी उन प्रारंभिक जीवों में से हैं जो फोटोसिंथेसिस शैवाल में से पैदा हुए हैं। कई अरबों साल बाद इंसान भी मैदान में आया और उसने पता लगाया कि प्रकाश कैसे बनाते हैं। पहले आग, फिर गर्मा गर्म बिजली के बल्ब का आविष्कार कर खुद से प्रकाश बनाया। अब बात आती है पौधों की, तो प्रकाश चाहे कहीं से भी आ रहा हो, सभी प्रकाश में फोटॉन्स ही होता है। इसलिए हाँ, कह सकते हैं आर्टिफिशियल लाइट भी पौधों को बढ़ने के लिए सक्षम है और आप अपने मनी प्लांट पर बल्ब लगा सकते हो। उम्मीद है कि वो स्वस्थ और मजबूत रहे क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट और सूरज की रोशनी के बीच अंतर होता है। हम जानते हैं कि सफेद प्रकाश प्रकाश के सभी रंगों से मिलकर बना है, लेकिन सफेद प्रकाश के अंदर भी वेवलेंथ की संरचना में सूक्ष्म अंतर होता है। कृत्रिम प्रकाश में उतना लाल और नीला रंग नहीं होता जितना सूरज के प्रकाश में होता है, और अलग अलग वेवलेंथ वाले प्रकाश में फोटॉन्स की ऊर्जा भी अलग अलग होती है। हरे पौधे लाल और नीली वेवलेंथ से ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं और हरे और पीले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, और यही कारण है कि हमें पौधे हरे दिखाई देते हैं। किसी भी कृत्रिम प्रकाश के मुकाबले सूरज का प्रकाश अधिक तीव्र होता है। सूरज की यह उच्च तीव्रता पौधों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। उच्च तीव्रता का मतलब ये भी है कि पौधे अधिक फोटोन से टकराते हैं जिससे वो अधिक प्रभावी ढंग से फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इससे हम इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, आवश्यकता सभी आविष्कार की जननी है, ठीक वैसा इस क्षेत्र में भी हुआ। आर्टिफिशियल लाइट अब स्पेशली पौधों को बढ़ने के लिए डिजाइन की गई, वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी होती है। आर्टिफिशियल लाइट में LED सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। वो स्पेक्ट्रम के लाल और नीले हिस्से के प्रकाश को निकालने में सबसे ज्यादा कुशल होती है। एंड मोर इम्पोर्टेंट, दे आर ऑल्सो मोर एनर्जी एफिशियंट, क्योंकि इनसे एनर्जी बहुत कम वेस्ट होती है। फोटोसिंथेसिस के रूप में कृत्रिम प्रकाश पौधों की जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन पौधे प्रकाश संश्लेषण के अलावा भी लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कब जागना है, कब सोना है, कब नहीं है। वैसे इससे ज्यादा या पृथ्वी मौजूद हर चीज इनपुट और एक्सपोर्ट करती है, फिर वो चाहे सजीव हो या निर्जीव। इस हिसाब से पेड़ों का क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन? अरे नहीं यार, लेकिन गलत भी किया है। एक के कचरे से दूसरा जीव जीता है, यही तो प्रकृति का नियम है। खैर जो भी हो, लेकिन पौधे लाइट का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण के अलावा भी करते हैं। पौधों में एक आंतरिक जैविक घड़ी होती है। नहीं, ये वाली नहीं, वो दिखती नहीं है इसलिए मैंने ये वाली लगा दी। और ये घड़ी जिम्मेदार होती है सूरजमुखी के सूरज को फॉलो करने को। पौधों पे किए गए एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि अलग अलग रंग के प्रकाश में पौधों की ग्रोथ भी अलग अलग होती है। लाल LED के नीचे उगाए गए पौधों की ग्रोथ बाकी रंग के LED के मुकाबले ज्यादा हुई थी। और सिर्फ रंग नहीं, आप किस बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हो और वो कितने वोल्ट का है, इसका असर भी पौधों पे पड़ता है। मैं उन वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको वो वीडियोस जरूर देखने चाहिए। विज्ञान अभी इस चीज पर संशोधन कर रहा है कि कैसे आर्टिफिशियल लाइट सनलाइट का एक विकल्प बन जाए। हम में से जो अपार्टमेंट में रहते हैं उन्हें सूर्य प्रकाश की बहुतायत प्राप्ति नहीं होती, वहाँ पे ये एक सस्ता उपाय बन सकता है। लेकिन याद रहे, ज्यादा लाइट भी खराब साबित हो सकती है। इस कृत्रिम विकल्प के साथ साथ अगर सूरज की रोशनी पौधों को मिले तो और अच्छी बात है। बाकी आपको क्या लगता है, आर्टिफिशियल लाइट को सनलाइट के ऑप्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने मिला हो तो लाइक शेयर और वो सब कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।